ओम शांति। शिव बाबा से सर्व संबंधों से हम यदि नहीं जुड़ते हैं तो हमें सर्व प्राप्तियां नहीं हो सकती। सर्व संबंध यानी केवल बाप टीचर सदगुरु नहीं अपितु साजन आदि सभी संबंधों से बाबा को हमें याद करना है। उसे हमें पुत्रवत, पितृवत, मातृवत हर संबंध में उसे लाना है। यदि एक भी संबंध की ढील मिली, यदि हमने उसे पति के रूप में या पत्नी के रूप में नहीं माना और संबंधों में माना, तो प्राप्तियां कम हो जाएंगी। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा को सर्व संबंधों से हमें याद करना है। तो सर्व संबंधों से याद करने के लिए हमें पहले सभी संबंधों से मुक्त होकर, उन बंधनों से मुक्त होकर शिव बाबा से सारे बंधन जोड़ने होंगे। जब एक से एक होकर एक रस स्थिति में एक बल एक भरोसे के साथ सर्व संबंधों को उस एक के साथ जोड़ेंगे, तब हम एकता वाली दुनिया, एक राज्य, एक भाषा, एक जैसी दुनिया जहां माया होगी ही नहीं, विकार होंगे ही नहीं, ऐसी दुनिया में हम एक 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 यानी 111 में आ सकेंगे, यानी पहले जन्म में। तो यह बहुत रहस्यमय बात है, बहुत गुह्य बात है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। आज की अव्यक्त मुरली है, इसे डबल अटेंशन के साथ पढ़ें। और बहुत बहुत पावरफुल मुरली होती है शिव बाबा की मुरली। को हम सिर्फ ध्यान से पढ़ें और उसके साथ साथ अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करते जाएं और एक एक शब्द पर विचार करें, तो हमारी बुद्धि का कपाट स्वतः खुलता जाएगा। हम खुद ब खुद पतित से पावन बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो आज हम विशेष विशेष अटेंशन के साथ मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे और गुनेंगे। ओम शांति।